Hey guys, welcome back to the channel. So Symbiosis Law School is the best law school privately owned in India. मगर ये सारे लॉ कॉलेजेस के ऊपर मतलब ऊपर है सबसे. एंड मैंने इसका पेपर दिया था स्लैट, जब आपने अगर ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो ना देखो, कुछ नहीं होता. मगर 13 को इसका 12th को रिजल्ट आया था एंड मैंने उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करा था कि मैं इसका ब्लॉग बनाऊंगा, मगर मेरे को लगा था रिजल्ट इतना नहीं अच्छा आया. एंड मगर मुझे क्या पता था कि इसका मैं शायद से शॉर्टलिस्टेड हो जाऊंगा. तो पहले तो मेरा रिएक्शन ये था, चलो अब रिजल्ट देखते हैं गाइस. हम स्लैट का रिजल्ट देखेंगे. डाउनलोड स्कोर कार्ड पे क्लिक कर रहे हैं अभी हम. घबरा रहा हूँ मैं. अरे सेट आईडी वगैरह क्या है? अब मैं देखने जा रहा हूँ रिजल्ट. एक गेस मार दे पहले, कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? नहीं मेरे को लगता है, मैं अगर मेरे को नहीं लगता है पहली बार तो होगा. अच्छा, और अगर हो भी जाएगा तो मेरे को लगता है सीवी वगैरह में मेरा इंटरव्यू और वैट वगैरह में कुछ मेरा नहीं होना था. अच्छा एक बार 60 में से गेस मार दे. 60 में से मेरे को लगता है मेरे आएंगे 39 या 39 या 40 या मैक्सिमम 43 आ जाएंगे. आपने अच्छा आपका फर्स्ट गेस 39 था? नहीं मेरा 42 है गेस. मेरा चलो 42 गेस है और कट ऑफ आएगी 49. इन पे क्लिक कर रहा हूँ. ये इंप्रिंट योर कर, बस क्लिक कर आ जाएगा. कितना? 39 दिखा दे. नहीं इसका मेरे को पता था कुछ नहीं जाएगी 49 मेरा नहीं होगा. पर सिंबल्स नोएडा का हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. नोएडा का हो सकता है. कट ऑफ देखो, कट ऑफ देखो जैसे लैट जल्दी कट ऑफ 2022 लिख दो. एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आपने ईयर तो लिखो. अच्छा नहीं है, नहीं होगा. एंड यस मेरे 39 मार्क्स आए एंड मैंने सारी होप खो दी थी. मुझे लग रहा था कि मेरा इस नंबरों में कट ऑफ तक नहीं जाता. मुझे लग रहा था कट ऑफ 40-45 से अबव जाएगी. तो मैं उम्मीद थी थोड़ी सी नोएडा से, मगर मैं पुणे से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. मैं मूव ऑन कर चुका था. मैं सोच रहा था कि अब चलो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सोचते. मैं इसका रिएक्शन रिकॉर्ड करके मैंने छोड़ दिया था कि बाद में कभी अपलोड करूँगा. तो मैं बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ एक रात देख रहा था. मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी कि अब मैं एक और लास्ट अपॉर्चुनिटी थी स्लैट की. मैंने अच्छे से वो भी बोला, पेपर भी नहीं दिया क्लैट की तरह. मगर मैंने फिर रात को अपनी ईमेल चेक करा था एंड मैंने उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करा पूरा. वो ये रहा. कभी दिखाऊँ? अभी 3 बजे हैं. मैं भी इतना बेनेट का वगैरह सोच रहा था कि मेरा सिम्बायोसिस में होगा एडमिशन वगैरह. मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का देख रहा था कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ. और मेरे को भी थोड़ी देर पहले पता चला कि मेरा शॉर्ट लिस्ट हो गया पुणे के लिए. मेरा PI और वैट का मेरा वो स्लॉट बुक करना है. एंड मेरे प्रमोशन में आया हुआ था कि आई हैव बिन शॉर्ट लिस्ट फॉर LSLS पुणे. दैट इज़ ग्रेट. मैं अपना बुक कर रहा हूँ. मैं अभी पता नहीं क्या होगा. मैं काफ़ी खुश हो रहा हूँ. स्लॉट बुक करते हैं, काफ़ी खुशी की बात है. बस अब मेरे को इसके लिए प्रिपेयर करना है कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. दिस इज़ द बेस्ट लॉ स्कूल इन इंडिया प्राइवेट के मामले में. इन इंडिया नहीं, मतलब उसके बाद ये सबसे बेस्ट आता है. तो अब जल्दी से करते हैं. मैं स्लॉट बुक कर रहा हूँ. सेशन हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली. मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि अभी भी हो गया मेरा पुणे का. यस दैट्स हाउ आई गॉट एडमिशन. एडमिशन ये शॉर्टलिस्ट हुआ है पर्सनल इंटरव्यू और रिटन एबिलिटी टेस्ट के लिए. मगर मैं ये इस चीज़ से मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था. एक करियर 360 वालों ने एक डाली थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ SLS पुणे की 45-48, 43-45 वगैरह. मैं उम्मीद ही खोई थी. मेरा तो नंबर भी नहीं है 39. देखो 35-38, इसके बाद 39 है ही नहीं कहीं पे. मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे किसी भी सिम्बायोसिस से आएगा इनविटेशन, शॉर्टलिस्ट होऊंगा मैं. मेरे को नोएडा से थोड़ी सी उम्मीद थी, मगर पुणे से बिल्कुल भी नहीं थी. जब पुणे में इतना खुश था, दैट वाज वेरी हैप्पी. मगर अब मेरे को मेहनत करनी है, क्योंकि ये सिम्बायोसिस लॉ स्कूल काफ़ी अच्छा लॉ स्कूल है. अच्छी सिटी में पुणे में, जहाँ पर मेरे फेवरेट कॉमेडियन भी रहता है समय रहना. तो मैं उसके शो में वगैरह जा सकता हूँ, मिल सकता हूँ. हाँ मुझे वहाँ पे मुझे लगता है कंटेंट भी और अच्छा हो सकता है. अच्छी पढ़ाई है, मतलब उधर अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, अच्छा एलुमिना है, अच्छी फैकल्टी है, सब कुछ वहाँ का अच्छा है. तो मैं अब बस होप कर रहा हूँ मैं अच्छे से करूँ. अब मैं और थोड़ी देर वीडियो वगैरह नहीं डालूंगा, फिर थोड़ी सी डालूंगा, क्योंकि अब मैं रिटन एबिलिटी टेस्ट के लिए तैयारी करूंगा जो कि 22 जुलाई को है. तो उसके लिए मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ूंगा, न्यूज़पेपर, जो जो क्लैट मेंटरशिप ग्रुप में टॉपिक्स आएंगे कि व्हाट कुड बी द मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फॉर वैट, उसकी तैयारी करूंगा. तो
तो या काफ़ी रीडिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंग्लिश की प्रैक्टिस, वो सारा कुछ करेंगे क्योंकि एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर ये हो गया तो सही है, नहीं तो मेरे को इसके बाद के फिर नीचे कॉलेज में जाना पड़ेगा, जो मतलब अपनी एडमिशन के लिए कॉल कर रहे हैं मेरे को कि हमारे से एडमिशन ले लो, दैट इज़ वेरी नाइस। मगर ये कॉलेज अच्छा है, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ रही है लेने के लिए। एंड ऑल्सो मेरे को अभी तो ये शॉर्ट लिस्ट हुआ है ना पर्सनल इंटरव्यू और वगैरह के लिए, मैं अच्छी खासी तैयारी तो कर लूँगा, मगर मुझे लगता है मेरा एक जगह में जाके मेरा रुक जाएगा मेरे ख्याल से, CV में। CV मुझे नहीं पता नहीं क्या होता है, मगर वही होता है कि शायद से जो जो अचीवमेंट करी है स्कूल में, जैसे 10th की मार्कशीट वगैरह, 12th की मार्कशीट वगैरह, अचीवमेंट इन जैसे डिबेट वगैरह, कोई MUN वगैरह हर चीज़। तो मैंने मार्क्स वगैरह मेरे अच्छे हैं, 89% आई है, मगर मैंने स्कूल के टाइम पे कुछ हरकत नहीं करी, कुछ डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करा, MUNs में कुछ क्विज में एक दो बारी पार्टिसिपेट करा, मगर मैं काफ़ी ऐसी बच्चा था, मैं कुछ पता नहीं था स्कूल में क्या हो रहा है, मैं आराम से बस स्कूल आके देखता रहता था लोगों को वगैरह वगैरह जो होता रहता था। तो मैं इससे मुझे लगता है थोड़ा सा होगा, मगर अगर नहीं भी हुआ सिम्बोसिस में, मगर सिम्बोसिस में नहीं भी हुआ तो मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि मेरा भी वो हो गया, शॉर्ट लिस्ट होगा। मैं होप करते हैं कि मैं अच्छा इंटरव्यू दूँ और ये CV वगैरह का चक्कर ना पड़े, मगर मैं पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि CV वगैरह का चक्कर पड़ेगा, जो मैंने अचीवमेंट कुछ भी नहीं करी है, मैं कुछ लिख दूंगा जो जो मैंने करे, एक बार MUN में पार्टिसिपेट करा था, एक बार डिबेट में पार्टिसिपेट करा था, मैं कुछ गोल्ड वगैरह नहीं जीता, कुछ सिल्वर वगैरह नहीं जीता, देखते हैं क्या होता है। एंड ऑल्सो योर बॉय हैज़ बिन इन्वाइटेड बाई निर्मा यूनिवर्सिटी फॉर काउंसलिंग, जो कि होगी कल, दैट्स ऑल्सो हैपनिंग। अब मैं पता नहीं निर्मा यूनिवर्सिटी में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब सिम्बोसिस हमें मिल रहा है, थोड़ा सा अभी अपॉर्चुनिटी है, नोएडा भी हो सकता है, नोएडा का भी मतलब आएगा मुझे शॉर्ट लिस्ट होके, तो दैट्स। अब मैं मेन यही है कि अब मैं काफ़ी कम वीडियो डालूंगा, मगर मेरी आखिरी वीडियो काफ़ी अच्छी गई, यू लुक एट दैट, 9.9 की व्यूज़, ऑलमोस्ट 10,000 होने वाले हैं। ये वीडियो मेरी क्लैट के एग्जाम ब्लॉग को बहुत देर से आगे चल रही थी, अब थोड़ी देर पहले इसका क्या कहते हैं डाउन स्लो डाउन शुरू हुआ है, मगर काफ़ी देर से 1 out of 10 वीडियो थी मेरी। तो मैंने इस वीडियो को होप नहीं करा था कि अच्छी जाएगी, क्योंकि मैंने बस ये ब्लैक बोर्ड पर सारा रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि मुझे लग रहा था वायरल नहीं जाएगी, तो बट इट इज़ गोइंग वायरल, लोग लाइक कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लाइफ इज़ गोइंग गुड। अब या थैंक्स फॉर हुएवर वॉज सपोर्टिंग मी कि मेरा अच्छा हो जाए, बट या अब मैं आखिरी बार एक पूरी मेहनत करनी है, इसके बाद मैं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है पास, इसके बाद मतलब कोई भी लॉ कॉलेज में जाऊँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर ये एक आखिरी अपॉर्चुनिटी, तो उसकी मैं अच्छे से तैयारी करूँगा। एंड यस, अगर आपका एडमिशन हो गया, अगर आपका भी शॉर्ट लिस्ट हुआ है तो हार्डवर्क करना, अगर नहीं हुआ तो भी यार बहुत है लाइफ में यार, तो डाउनग्रेड नहीं होना, मेरे को तो सभी चीज़ इस चीज़ की खुशी है कि मेरा बस शॉर्ट लिस्ट होगा, मैं इसका बस अब मेहनत करनी है बस, अब ठीक है, अब मैं और नहीं बोलूँगा, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, अब बस ठीक है, मैं आपसे पता नहीं कब मिलूंगा, मैं अब LSAT का रिजल्ट आना है, 12th का रिजल्ट आना है, और इसकी काउंसलिंग होनी है वगैरह, मैं उसका एक बना के ब्लॉग डाल दूंगा, बस ठीक है, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, एंड या टाटा बाय बाय बाय।